नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। इसरो ने शुक्रवार को एक जानकारी दी, कहा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए महत्वाकांक्षी मिशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए एक मानव रहित उड़ान परीक्षण के लिए काउंटडाउन शुरू हुआ। बता दें, इसरो ने बताया कि क्रू मॉड्यूल और चालक बचाव प्रणाली से लैस एकल चरण तरल प्रणोदन रॉकेट को सुबह 8 बजे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र के पहले प्रशिक्षण पल में रवाना किया जाएगा। प्रशिक्षण यान मिशन का उद्देश्य अंततः गगनयान मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए क्रू मॉड्यूल चालक बचाव प्रणाली के तहत अध्ययन करना है। क्या गगनयान मिशन का लक्ष्य क्या है, ये भी बता देते हैं। दरअसल 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्य को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसरो शनिवार को अपने परीक्षण यान प्रदर्शन यानी TVG-1 एकल चरण तरल प्रणोदन रॉकेट के सफल प्रशिक्षण का कार्यक्रम करेगा। बता दें, स्क्रू मॉड्यूल के साथ प्रशिक्षण यान मिशन समग्र गगनयान कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि शनिवार को परीक्षण के लिए लगभग पूरी प्रणाली एकाकृत कर ली गई है। बता दें, वेबसाइट पर जानकारी दी गई, 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे TVG-1 परीक्षण उड़ान को प्रशिक्षित करने के लिए उल्टी गिनती शुरू शाम 7 बजे से शुरू हो गई है। पहला गगनयान कार्यक्रम यह शुरू हुआ है। इसरो ने बताया कि परीक्षण उड़ान की सफलता शेष परीक्षण और मानव रहित मिशनों के लिए आधार तैयार करेगी, जिससे पहले गगनयान कार्यक्रम शुरू होगा। क्रू मॉड्यूल रॉकेट में पेलोड और ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए है। दरअसल थर्मल सुरक्षा प्रणालियों के साथ एक बिना दबाव वाली बाहरी संरचना भी इसमें शामिल है। बहरहाल, देखने वाली बात यह होगी कि क्रू मॉड्यूल को कितना सफल साबित किया जाता है।